अगर आप भी एक वेब डेवलपर हैं और सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से डायनामिक ब्लॉगिंग्स क्रिएट आउट की जाती हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर आए हैं। इस सीरीज के अंदर हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से अमेजिंग ब्लॉगिंग वेबसाइट्स को क्रिएट आउट कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस का यूज करके, एंड किस तरीके से डायनामिक राउटिंग का इस्तेमाल कर अमेजिंग से ब्लॉग्स को क्रिएट आउट कर सकते हैं। इस सीरीज के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो नेक्स्ट जेएस फंक्शन सिखाऊं जो आज तक मैंने कभी आपको प्रीवियस किसी सीरीज के अंदर नहीं सिखाई हो। इस डायनामिक ब्लॉग की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की फीचर्स प्रोवाइड आउट करता है, साथ ही साथ ये आपका माइलस्टोन 3 भी कवर करता है जिसके अंदर आपने एपीआई इंडेक्सिंग के थ्रू अपने डायनामिक ब्लॉग्स को क्रिएट आउट करना है विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पूरा प्रोसेस आपको बताऊं तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप कितना जल्दी इस सीरीज को देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास पूरा लेआउट है अपने ब्लॉग से रिलेटेड जो कि हमने क्रिएट आउट किया है। सबसे अच्छी बात यह कि ये गूगल ब्लॉगिंग वेबसाइट की फंक्शनैलिटी अवेल करता है, यानी कि अगर मैं किसी भी ब्लॉग के ऊपर यहाँ पर क्लिक आउट करती हूँ रीड मोर के बटन पे एंड इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करती हूँ, तो ये एपीआई इंडेक्सिंग के थ्रू हमारी डायनामिक राउटिंग भी क्रिएट आउट करेगा एंड साथ ही साथ यहाँ पर ये मुझे परफेक्ट लुक भी प्रोवाइड आउट करेगा। इसमें हमारे पास कमेंट फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है जो कि आपके पास सबसे मेजर टास्क होती है किसी भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऑथर कार्ड भी क्रिएट आउट करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से अपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को क्रिएट आउट कर सकें। ये वेबसाइट आपको कंप्लीट लुक प्रोवाइड आउट करती है जो कि एक अदद गूगल ब्लॉगिंग वेबसाइट प्रोवाइड आउट करती है, तो इसके लिए बस आपने करना कुछ नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या आप वाकई इस ब्लॉगिंग वेबसाइट को सीखना चाहते हैं हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जेएस बेस से रिलेटेड, तो मैं कितना जल्दी आपके लिए इस पूरी सीरीज को कंपाइल्ड आउट करूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आप पुरअज़म होंगे कि आप इस तरीके की अच्छी सी ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करना मुझसे सीखें एंड फिर अपनी ऑनलाइन अर्निंग को भी कंपाइल करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस सीरीज को फॉलो करने के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक नेक्स्ट जेएस बेस ई कॉमर्स वेबसाइट एंड साथ ही साथ पोर्टफोलियो का ट्यूटोरियल चेकआउट नहीं किया है तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, मेक श्योर कीजिए कि इसे भी लाजमी चेकआउट कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।